महागठबंधन, यह सारा गठबंधन फेल हो गया है। यहाँ की सिर्फ लोगों को केसरिया का बेटा चाहिए, सेवक चाहिए, केसरिया विधानसभा क्षेत्र से जाप के उम्मीदवार के रूप में रजनीश कुमार उर्फ रिंकू पाठक के चुनाव मैदान में उतर जाने से सभी दलों के प्रत्याशियों की नींद उड़ गई है। रिंकू पाठक जैसे ही जाप का सिंबल लेकर केसरिया पहुंचे, हजारों लोगों का हजूम उनके स्वागत के लिए पहुंच गया। सैकड़ों नौजवान बाइक पर सवार होकर रिंकू पाठक के स्वागत के लिए पहुंच गए। जिस तरह से रजनीश कुमार उर्फ रिंकू पाठक का केसरिया के बड़े बुजुर्ग और नौजवानों ने स्वागत किया, उसको देख प्रमुख राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों की चिंता बढ़ गई है। सभी कार्यकर्ताओं को तहे दिल से शुक्रिया करता हूं, सबको धन्यवाद देता हूं, इनका अपार प्रेम और इतना विश्वास हमें देख के आज दिल बिल्कुल मनमोहित हो गया। उनको तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। और वो मेरे जो भी लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जितना हमको प्यार दिए हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा चीज़ है। और सबको हम फिर से शुक्रिया करते हैं और उनके मान सम्मान को कभी ठेस नहीं पहुंचेगा, यह वादा करते हैं। सर, इस बार जो चुनाव है इसमें यहाँ से महागठबंधन भी है और जेडीयू भी है, ऐसे में आप तीसरे उम्मीदवार के तौर पर आए हैं जन अधिकार पार्टी से, तो आपको लगता है कि आपकी राह आसान होगी? महागठबंधन, यह सारा गठबंधन फेल हो गया है। यहाँ की सिर्फ लोगों को केसरिया का बेटा चाहिए, सेवक चाहिए, ये खासकर बाढ़ ग्रस्त इलाका रहा है, तो यहाँ क्या क्या कमी है बाढ़ में? और यहाँ तो आपके जो मुखिया है पप्पू जी, वो भी यहाँ का जो दौरा किए हैं, तो क्या क्या काम है जो बाढ़ ग्रस्त इलाके में आप लोग किए हैं पहले से जो कार्य है? पूरा देश जानता है पप्पू यादव ये कैसा नेता था, जो उस बुरे वक्त में, कोरोना में, बाढ़ में मोटरसाइकिल से ट्रैक्टर पर बैठ के लोगों के बीच सहायता राशि पहुँचाता। बाकी सारे नेता जो माननीय मुख्यमंत्री जी हो, तेजस्वी यादव जी हो, एसी रूम में बैठ के सो रहे थे और जनता रोड पे तड़प रहा था। तो 5 साल में जो विधायक थे उनके द्वारा किए गए कार्य पे कुछ कहेंगे? 50 साल में कुछ नहीं हुआ, हम लोग 3 साल मांगे हैं, 3 साल बनाम 30 साल, यही नारा है हम लोगों का। हमको 3 साल दीजिए और 30 साल का आप लेखा जोखा हमसे रखिए। तो इस बार का आपका चुनावी मुद्दा क्या है, जनता के बीच कौन से मुद्दे को लेकर के जाएंगे आप? यहाँ कोई विकास ही नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है 30 साल में, कुछ नहीं हुआ है। मुद्दा क्या रहेगा आपका? मुद्दा रहेगा बेरोजगारी, जितना स्वास्थ्य, जितना मैंने गिरा हुआ स्तर स्वास्थ्य का है। कोरोना अगर किसी को हो जाता तो तड़प के मर जाता है। यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इतनी असुविधा है, शिक्षा का इतना व्यापक भ्रष्टाचार है, कोई व्यवस्था नहीं है शिक्षा पर। जाके दिल्ली में देखिए, केजरीवाल ही सरकार है तो क्या है, जाके दिल्ली देखिए, दिल्ली में शिक्षा का क्या व्यवस्था है। और आज देखिए पूरा देश का ताकत लग गया, फिर भी केजरीवाल आ गया, तो उसका काम बोलता है ना। तो आपको उम्मीद है कि आप जन अधिकार पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर आप जीत पाएंगे यहाँ से? हम केसरिया के बेटा है इसलिए पक्का जीतेंगे। दरअसल रिंकू पाठक केसरिया नगर परिषद के अध्यक्ष हैं, वो लोगों के साथ बहुत करीब से जुटे हैं, सबके दुख सुख के साथी हैं। ऐसे में उनके चुनाव मैदान में उतर जाने से सभी दलों के उम्मीदवारों के हाथ पांव फूलने लगे हैं। रजनीश पाठक हर जाति मजहब के लोगों के बीच लोकप्रिय हैं। जेडीयू और आरजेडी के उम्मीदवार बाहरी हैं या फिर बाहर रहने वाले हैं। ऐसे में रजनीश पाठक उर्फ रिंकू पाठक के पक्ष में केसरिया के लोगों की गोलबंदी तय मानी जा रही है। केसरिया के हिंदू समाज के चहेते हैं
तो अल्पसंख्यक समाज के भी बड़े हितैषी हैं रिंकू पाठक। मुस्लिम समाज उनके ऊपर भरोसा करता है तो हिंदू समाज भी रिंकू पाठक पर गर्व करता है। किसी उम्मीदवार के चुनावी सभा में जितनी भीड़ नहीं जुटती उससे ज्यादा लोग तो रिंकू पाठक के सिंबल लेकर केसरिया पहुंचने पर स्वागत में जुट गए। जिस दिन रिंकू पाठक नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे उस दिन की तस्वीर क्या होगी अंदाजा लगाया जा सकता है। केसरिया की जनता ने इस बार अपना मन बना लिया है, इस बार उसे ही विधानसभा भेजेगी जो दिन रात उनके बीच रहता है, उनके सुख दुख में काम आता है। इस बार केसरिया की जनता को ना बाहरी चाहिए और ना ही ऐसा स्थानीय जो या उनके यहाँ पैदा तो हुआ लेकिन वहाँ की जनता से कोई सरोकार नहीं।